नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर आज हम डिस्कस करेंगे स्क्रब टाइफस डिजीज के बारे में रीजेंटली उत्तर प्रदेश एंड ओडिशा के कई इलाकों में से कई लोग फीवर की वजह से एडमिट हुए थे जब इंटेग्रेटेड डिशीज सर्वेलेंस प्रोग्राम ने इसके बारे में स्टडी किया और ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करके टेस्टिंग के लिए भेजा तो ये पता चला ये जो फीवर हो रहा है दिस इज़ बिकॉज ऑफ ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ये डिसीज़ का नाम है स्क्रब टाइफस तो आज इस वीडियो में हम स्क्रब टाइफस डिजीज के बारे में थोड़ा डिटेली जानने की कोशिश करेंगे एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव में जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा तो बेसिकली उत्तर प्रदेश के उन्नावो डिस्ट्रिक्ट में

डिसीज फैलता है उसका नाम क्या है ठीक है तो स्क्रब टाइप है आंसर तो इट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूम बाटेड चिगर बाइट्स या फिर लार्वल माइट्स भी आप बोल सकते हो अब ये माइट्स क्या होता है देखिए माइट्स आप बोल सकते हो इस तरह का जो फोर पेयर लेग्स वाले छोटे छोटे टिक्स है ना दोस्तों इन्हें हम माइट्स बोल सकते हैं बेसिकली स्पाइडर जैसा ही इन्हें फोर पेयर का लेग रहेगा टोटल आठ लेग रहेगा छोटे छोटे रहते हैं ये बैक्टीरिया कैरी भी करते हैं तो ये जो माइट्स है जब ये बैक्टीरिया से इंफेक्टेड होता है और वही माइट ह्यूमन स्किन से कॉन्टैक्ट में आता है तब हमें यह डिजीज हो जाता है ठीक है आप देखिए सिम्टम्स क्या क्या होता है बॉडी एक फीवर रैशेस हेड एक आर द मोस्ट टिपिकल सिम्टम्स ऑफ स्क्रब आप ध्यान दीजिएगा ठीक है एंड विदाउट ट्रीटमेंट देर कैन लिंगअप फॉर फोर्टीन टू ट्वेंटी वन डेज तो फोर्टीन से ट्वेंटी वन डेज तक हमें यह प्रॉब्लम हो सकता है ठीक है अब दोस्तों जहां यह इन्फेक्शन होता है दैट एरिया डेवलप्स ए डार्क स्कापलेक रीजियन विच इज ऑल्सो नोन आज एस्कार अब ये एस्कार मतलब इसी तरह रहते हैं दोस्तों स्किन में जहां ये बाइट होता है उधर इस टाइप का एक डार्क स्का फॉर्मेशन हो जाता है और सेंडर फॉर डिसीज कंट्रोल प्रिवेंशन जो यूएस का है उनका कहना ये है ए पर्सन कैन एक्सपीरियंस मेंटल चेंजेस रेंजिंग फ्रॉम कंफ्यूशन टू कॉमा इफ ही इज मतलब ये जो स्क्रब टाइफस इतनी खतरनाक एक डिजीज भी है एक बार इन्फेक्शन होने के बाद एक बंदे में मेंटल चेंजेस भी एक्सपीरियंस कर सकता है कोई जरूरी नहीं है पर इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हो सकता है अभी के हिसाब से कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है टू तो प्रीवेंट स्क्रब टाइफस एंड इट इज सजेस्टेड दैट रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द इन्फेक्शन बाई अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड चिगर्स तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है जितने भी इन्फेक्टेड चिगर्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट ही दूर रखें मतलब जहाँ ये चिगर्स ज़्यादा होता है उन्हें अवॉइड करें आप इनकी बाइट से आप बच के रहें Apart from India, cases of scrub typhus have been reported from rural areas of Indonesia, China, Japan, Northern Australia, etc. ठीक है केवल इंडिया में नहीं है ये काफी सारे कंट्रीज के रूरल एरियाज में रिपोर्ट हुआ है जैसे इंडोनेशिया चाइना जापान ऑस्ट्रेलिया एसेट्रा एक्सेट्रा एंड इट ऑल्सो एफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखिए कहाँ कहाँ ये अफेक्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में रेस्परेटरी सिस्टम में रीनल सिस्टम में एंड गैस्ट्रो इंडस्ट्रियल सिस्टम खुल मिला के हमारे शरीर में काफी सारे प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर सकते हैं अब ये देखिए आप ये जो बैक्टीरिया का नाम है मैंने आपको पहली बता दिया ओरियंटिया सुटसुगा मुशी एंड जो माइट ये बैक्टीरिया को कैरी करता है इस माइट का नाम है लेप्टोट्रोम या फिर हम लोकल लैंग्वेज में चिगर भी बोलते हैं सिम्टम्स क्या क्या मैंने आपको पहले ही बता दिया ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों डॉक्सीसिलिन करके एक मेडिसिन है बेसिकली इसके लिए पर कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है वैक्सीन किसके लिए होता है वैक्सीन एक डिजीज नहीं आने के लिए होता है एक बार ये इंफेक्शन हो जाता है तब डॉक्सीसिलिन करके एक मेडिसिन होता है वो हम अप्लाई कर सकता है ठीक है एंड काफी सारे फ्लूड्स एंड सपोर्टिव मेसेज भी ले सकता है वे डू चिगर माइट स्टे ये जो चिगर माइट्स है ये कहाँ रहता है नॉर्मली देखिए मोइस्ट ग्रासी एरिया लाइक फील्ड फॉरेस्ट लॉन्स लेक्स एंड स्ट्रीम्स तो ऐसे एरिया में सबसे ज्यादा आपको ये चिगर मिलेगा बेबी बाइट देखिए अडल्ट चिगेस डो नॉट बाइट अब खास बात ये दोस्तों ये चिग्गर में जो अडल्ट होता है वो बाइट नहीं करते जो छोटे छोटे रहते हैं बेबीज वही काटते हैं एट द लार्वल स्टेज दैट यू टू आउट फॉर ठीक है for, अब देखिए ये ये जो जो चिगर काटते ह्यूम्स को वो रेड ऑरेंज येलो और स्ट्रो कलर रहते हैं और इनकी जो लेंथ है वो 0.3 थ्री mm मिलीमीटर से ज्यादा भी नहीं रहते है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो चिगर माइट्स है ये जो छोटे रहते हैं एकदम छोटे रहते हैं वही काटते हैं ह्यूमेंट को एंड वही ये बैक्टीरिया कैरी करते हैं आप दोस्तों और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस डिजीज़ का नाम स्क्रब टाइफस क्यों है देखिए स्क्रब का मतलब होता है जो छोटे छोटे पौधे रहता है जिसका हाइट कम है तो ये जो माइट्स है सबसे ज़्यादा स्क्रब्स में रहता है एंड टाइफस इज ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स फीवर ठीक है इसलिए इन्हें स्क्रब टाइफस बोलते हैं क्लियर आप देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एस एन एपिडेमिक ये डिजीज़ फैला था कई सारे कंट्रीज़ में एंड इंडिया में भी सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आसाम वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में भी ये डिजीज़ फैला था

आई होप आपने आंसर किया होगा नाउ द आंसर सबसे पहले हम ऑप्शन चेक करते हैं स्क्रब टाइफस इज ए वेक्टरबोन वायरल डिजीज गलत मैंने आपको बोला था ये कोई वायरल डिजीज नहीं है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है द वायरस इज एंडेमिक टू इंडिया एंड नो नो केसेज इंडिया टिल नो मैंने आपको बताया था चाइना जापान नॉर्थ एन ऑस्ट्रेलिया में कहीं रूरल एरियाज में केस पहले भी रिपोर्ट हुआ है एंड तीसरा स्टेटमेंट डिसीज स्प्रेड्स थ्रू बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड चिगर्स और लार्वल माइट्स ये सही है दोस्तों वैसे ये माइट्स का नाम क्या है जो बाइट करते हैं एंड ये बैक्टीरिया का नाम क्या है ऐसा मैंने आपको पहले बता दिया था तो आंसर क्या होगा ऑप्शन डी थ्री ओनली तो दोस्तों एंड ऑफ इट और एक पॉइंट मुझे आपको ये बोलना था जब मैं ये स्क्रब टाइफस के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था तब सेंडर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की वेबसाइट में कुछ गेडलाइंस लिखा हुआ था उसमें इन्होंने एक इंसेटिसड के बारे में बताया है उस इंसेटिसड का नाम है परमेथ्रिन अब ये परमेथ्रिन यूज करने से ये जो चिकर बाइट्स है ये मर सकता है ये उनका गेटलेट्स में लिखा हुआ था तो हो सकता है यही एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए ठीक है तो ये भी आप मित्र के बारे में तो दोस्तों ये वीडियो इधर फिनिश कर रहा आई होप आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा आप लोगों की वैल्युबल सजेशंस और कमेंट के बिना मत जाइएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय